Please subscribe and press bell icon for more videos. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माई एक्स्ट्रा क्लास की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कार या बाइक का एवरेज कैसे पता करें। तो आज हम देखेंगे, हम जैसे अपनी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जो तेल की खपत होती है तो उसको कितने किलोमीटर के पीछे एक एवरेज निकलती है, तो वो कैसे पता की जाए। जैसे मान लीजिए हमने 8 लीटर तेल डलवा लिया, ठीक है, हमने बाइक में, और वो हमारी गाड़ी गई लगभग, अगर हमारे पास कार है तो लगभग वो गई हमारी लगभग 15 किलोमीटर, ठीक है ना, तो वो उसका एवरेज कितना हो जाएगा। अगर हमने 10 लीटर बाइक तेल डलवा लिया बाइक में और वो चली गई हमारी लगभग 600 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज क्या निकलेगी। तो इसी तरीके से अलग अलग क्वांटिटी होती है। मान लीजिए हमने एक लंबे टूर पे निकल गए, हम चले गए लगभग 650 किलोमीटर, तो उसमें हमारे जो गाड़ी है उसने लगभग 40 लीटर तेल ले लिया, तो उसकी एवरेज क्या निकलेगी। बेसिकली जो एवरेज होती है वो होती है 1 लीटर इज इक्वल हाउ मैनी किलोमीटर, मतलब 1 लीटर अगर तेल की खपत होती है तो वो कितने किलोमीटर जाती है। तो इसको सिंपली निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पास ये 650 किलोमीटर हमारी गाड़ी गई है, सॉरी बाइक गई है, तो ये 40 लीटर उसने तेल की खपत कर दी है, तो 650 को हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.25 के एम पी एल। मीन्स अगर 650 किलोमीटर जाने के लिए एक गाड़ी 40 लीटर तेल ले लेती है तो वो उसकी एवरेज बनी 16.25 किलोमीटर पर लीटर, तो उसकी एवरेज निकल गई 16.25 की। इसी तरीके से अगर ये है 10 लीटर में वो 600 किलोमीटर चलेगी बाइक हमारी, तो 600 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, ठीक है ना, तो इसका हमारा आ जाएगा आंसर 60 KMPL। तो बाइक की एवरेज लगभग इतनी होती है और गाड़ी की इतने से लेकर 20 किलोमीटर तक की होती है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है, मान लीजिए एक हमारी हमने जाना है कहीं पे, तो उसकी एक तरफ की डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर, तो हम देखेंगे हमारा कितना तेल लगेगा। अगर हम 80 जाएंगे तो हम 80 वापस भी आएंगे, ठीक है ना, तो ये हो गया 160 किलोमीटर हमारा सफ़र तय होने वाला है इतना। अगर हमारी गाड़ी की एवरेज 18 KMPL है, 18 KMPL मीन्स किलोमीटर पर लीटर, वो हो जाएगी हमारी एवरेज, तो इस हिसाब से हमारा कितना तेल लगेगा। तो एक बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 160 किलोमीटर हमने जाना है, गाड़ी हमारी 1 लीटर में जाएगी 18 किलोमीटर, तो हम क्या कर देंगे, जितने हमारे किलोमीटर हैं उसको डिवाइड कर देंगे जितनी उसकी एवरेज है, ठीक है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी कितना लीटर तेल खाएगी। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 160 को 18 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.88 लीटर। मींस अगर हमें 160 किलोमीटर जाना है तो वापस भी आएंगे 80 + 80, तो उसमें अगर हमारी गाड़ी 1 लीटर के पीछे 18 किलोमीटर जाती है तो टोटल हमारा कितना का तेल लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा 8.8 लीटर। तो उस हिसाब से जो भी उस दिन का रेट हो आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाइड करके उसका एक रेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी तरीके का भी इक्वेशन निकाल सकते हो। मान लीजिए हमारे पास गाड़ी की जगह बाइक है और हमारी जो बाइक की एवरेज है वो है 75 KMPL, मीन्स वो 1 लीटर में 75 किलोमीटर चली जाती है, तो हमें जाना है 200 किलोमीटर जाना है और वापस आना है,
मतलब 100+100 200 किलोमीटर जाके वापस आना है, तो 200 को 75 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो इसके जो हमारा आंसर हो जाएगा वो रहेगा 2.66 लीटर। तो हमारी जो बाइक है वो सिर्फ 2.66 लीटर में 200 किलोमीटर का अप डाउन कर लेगी। तो इस हिसाब से आप किसी भी गाड़ी का एवरेज निकाल सकते हो कि और एवरेज से आप कितने किलोमीटर में कितना तेल लेगी, या फिर हम कितने किलोमीटर गए और उसने कितना तेल कंज्यूम किया, वो आप उसकी एवरेज निकाल सकते हो इस हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया था, हमारे पास लीटर था किलोमीटर था, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया, तो वो हमारा KMPL मींस उस गाड़ी का एवरेज निकल आया। इसी हिसाब से हमें उसकी एवरेज पता थी कितने एवरेज में वो कितनी गाड़ी माइलेज दे रही है, तो कितने किलोमीटर जाएंगे तो हमारा कितना तेल कंज्यूम होगा, वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको ऐसा कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के नीचे, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी वीडियो को भी ध्यान से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।